नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं और इसकी बड़ी अपडेट हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों क्या है पूरी अपडेट हम जानेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, बाकी पार्टियों का मुंह बंद कर दिया ऐसे ऐलान करके। दोस्तों, पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी बीओसीडीएल के साथ पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय राहत देंगी। साथ ही दोस्तों आगे अपडेट के बारे में जानेंगे, उससे पहले अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, ऐसे में मिलती रहेगी आपको तमाम अपडेट हमारे इसी चैनल द इंडिया न्यूज के ऊपर। दोस्तों, जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी। पंजाब के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी निर्माता श्रमिकों के लिए 3,100 रुपए की अतिरिक्त वितरण राशि एक और किस्त की घोषणा की है। यह जनवरी मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने दी है। दो दिन पहले ही सीएम चन्नी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 11% बढ़ोतरी की मांग भी की थी। साथ ही राज्य में 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ते करने का ऐलान किया था। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब में जो घरेलू बिजली उपभोक्ता 7 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उन्हें रियायती दरों पर बिजली मिलेगी। पहले 100 यूनिट के लिए 1.19 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाएगा। इसके बाद 100 से 300 यूनिट के बीच खपत 4 रुपए प्रति यूनिट की दर हो जाएगी। इनके अलावा सीएम चन्नी ने राज्य कर्मचारियों महंगाई भत्ता डीए के 11% बढ़ोतरी ऐलान भी किया था, जिसके बाद और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में हर महीने कुल 440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चन्नी सरकार के इस कदम से 47.14 लाख कर्मचारियों और 48.62 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। पर दोस्तों, ये जो नियम इन्होंने घोषित किए हैं, आखिरकार ये सरकार इन चीजों को ऊपर पूरा गौर करती है और इस चीज को मानती है कि यहाँ पर सरकार को ये चीजें करनी है, तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता एक बार फिर से मूड बदल सकती है और कांग्रेस को अपना पूर्ण बहुमत दे सकती है। और दोस्तों, जिस तरीके से सीएम चन्नी अपना कार्यकाल कर रहे हैं, उस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं चन्नी की एक नई सरकार उभर के सामने आ सकती है और पंजाब में आम आदमी, अकाली और बीजेपी जैसी पार्टियों का मुंह बंद कर सकती है। पर दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस क्या करती है उसके बारे में जानेंगे और भी अपडेट। अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।